नमस्कार दोस्तों, तो नीता हाजिर है आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ। मुरादाबादी मूंग की दाल एक नई सी रेसिपी है बिल्कुल, और मुरादाबाद की बहुत ही लोकल और पॉपुलर डिश है। मुरादाबाद इंडिया का एक बहुत ही फेमस सिटी है, अपने ब्रास फेयर के लिए जाना जाता है, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, पीतल के बर्तनों के लिए जाना जाता है, इसलिए इसको ब्रास सिटी या पीतल नगरी भी कहते हैं। दुनिया भर में ये मशहूर है और ये दाल भी उतनी ही पॉपुलर है जितना कि मुरादाबाद। तो उस दाल को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए तो देखते बनाने जा रहे हैं मूंग की दाल, और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए मैंने बताया है। ये देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए धुली हुई मूंग की दाल, जिसको मैंने सोक करके रखा हुआ है 15 से 20 मिनट। इसके बाद हमको चाहिए मक्खन, बटर, बहुत ही अच्छा फ्लफी सा ये टेस्ट और फ्लेवर देगा। ये है क्यूमिन सीड पाउडर, रोस्ट किया हुआ क्यूमिन सीड पाउडर, क्यूमिन सीड्स भी हैं हमारे पास। पिसा गरम मसाला है, जो भी आपके पास गरम मसाला हो उसमें आप यूज़ कर सकती हैं। और ये है हमारी हींग, ये है मेरा नमक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है हमारी ये लाल मिर्चा, कुटी हुई भी है और ये पाउडर फॉर्म में है, साबुत भी है। और ये हमारे पास आ रहा है प्याज, हरी मिर्चा कटी हुई और नींबू, ये हमारा इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शनल भी है, लेकिन नींबू तो हमें चाहिए। नींबू बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए भी, विटामिन सी से भरपूर है और टेस्ट भी बहुत अच्छा देगा, और चटनी में भी हम इसको यूज़ करेंगे। तो बनाते हैं मूंग की दाल। तो दोस्तों, हमने गैस ऑन की, गैस पे रखा कुकर, अब कुकर में हमने डाली है दाल, दाल के बाद हम डालेंगे पानी। दाल का पानी का मेजरमेंट रहेगा कि जितनी हमारी दाल है उससे डबल पानी, यानी एक बोल दाल तो हमारा दो बोल पानी, या हम उससे सवा दो कर देंगे, लेकिन कम पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो दाल अच्छे से मिक्स नहीं होगी, नहीं गलेगी। इसके बाद ये हमने पानी दाल डाल दिया, पानी डाला, अब हमने डाला है इसमें थोड़ा सा एक चुटकी हींग। उसके बाद हम डाल रहे हैं गरम मसाला, दरदरा कुटा हुआ या पिसा हुआ, आप जैसा भी चाहें डाल सकते हैं। उसके बाद हमने डाला है इसमें नमक, नमक डाल दिया। अब नमक के बाद हम डालेंगे मक्खन, मक्खन इसको बहुत ही मक्खनी और फ्लफी टेस्ट देगा, टेस्ट को बिल्कुल इन्हेंस कर देगा, तो मक्खन इसका बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। अब मक्खन भी देखिए मैंने डाल दिया। मक्खन डालने के बाद मैं दाल कर रही हूँ अच्छे से मिक्स। मिक्स करने के बाद हम कुकर में लगाएंगे, ये देखिए मिक्स कर दिया मैंने, ताकि इसमें मक्खन भी मेल्ट हो जाए अच्छे से, और जो भी हमने नमक, गरम मसाला, हींग वगैरह डाली है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगी। इसके बाद देखिए मैं लगा रही हूँ कुकर को, मैं बंद करने जा रही हूँ कुकर को, हम लगा रहे हैं ढक्कन। इसके बाद जब ये कुकर का ढक्कन लग गया तो हम इसको तेज आंच पे दो विसल देंगे, या तो आप एक विसल देके 3-4 मिनट तक सिम गैस पे इसको पकाइए, या फिर इसको दो स्टीम आप देंगे, तो ये अच्छे से दाल हमारी गल जाएगी। तो दोस्तों, हमारी मूंग की दाल अब तैयार हो गई है, हम इसको नेचुरल गैस रिलीज होने देंगे कुकर को, तब तक हम बनाते हैं चटनी। तो मूंग की दाल और लजीज बनाने के लिए, चटपटा बनाने के लिए, हम उसको टेस्टफुल डिलीशियस बनाएंगे चटनी के साथ। तो अभी हम बना रहे हैं हरे धनिया की चटनी, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, धनिया या पुदीना, मैंने लिया है ये धनिया, आपके पास अगर पुदीना है तो आप पुदीना भी ले सकते हैं, मैंने इसको धोकर काट लिया है। और लिया है अमचूर पाउडर, हरी मिर्चा और नींबू, इसमें आप नींबू या अमचूर पाउडर दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और नमक हम इसमें पीसते समय डालेंगे, तो ये सामान हमें चाहिए चटनी के। चलिए तो हम बनाने जा रहे हैं चटनी। सबसे पहले हमने इसमें डाल दिया है ये धनिया, धनिया पत्ती डाल दी है हमने, इसमें डाला मैंने हरी मिर्चा, हरी मिर्चा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हैं, मैंने डाला है इसमें नमक और डाला थोड़ा सा अमचूर पाउडर, नींबू ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालिए, नहीं पसंद है तो नहीं डालिए, मैं नहीं डाल रही क्योंकि ऑलरेडी मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया है। और हम बनाने जा रहे हैं चटनी, हरी धनिए की खट्टी चटनी, ये लीजिए हमारी चटनी तैयार हो गई। तो चटनी हमारी रेडी हो गई है, अभी गैस रिलीज होने में थोड़ा सा समय है,
तो हम तैयार करते हैं इसके लिए तड़का, जिससे सारा टेस्ट इनहेंस होने वाला है मूंग की दाल में। हमने गैस पे रखा है फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन में डाला है मक्खन, मक्खन को गर्म किया, इसमें डाला जीरा, क्यूमिन सीड्स डाल दी है, थोड़ी सी हमने इसमें डाली है खड़ी लाल मिर्च, और इसके बाद डल गई है, देखिए देखिए भुन रही है हमारी, और इसमें अब हम डालने जा रहे हैं थोड़ी सी हींग, और इसके बाद डलेगा भुना हुआ हमारा पिसा हुआ भुना हुआ जीरा पाउडर, और हम दाल में लगाएंगे इसको तड़का, जो इस दाल को टेस्ट देगी। अब देखिए हमारी दाल, हमने इसका कुकर का ढक्कन खोल दिया है और हमारी दाल तैयार हो गई है। अगर आप कुकर का ढक्कन खोल के जब देखेंगी तो देख लीजिएगा, अगर पतली हो तो उसको ओपन करके आप उसको मीडियम फ्लेम पे भी उसको पका सकती हैं। थोड़ी सी गाढ़ी होनी चाहिए दाल, ये इस तरह से ये दाल इसमें ये बनी है। अब हम इसमें थोड़ा सा मक्खन और डालेंगे इसको थोड़ा सा फ्लफी करने के लिए, और तड़का लगाएंगे इसमें, फिर ये सर्विंग के लिए रेडी हो जाएगी। ये देखिए हमने इसमें थोड़ा सा मक्खन और डाल दिया है, और इधर मेरा तड़का भी एकदम रेडी है। ये मैंने तड़के तो बस तड़का लगा के हम इसको 2 मिनट के लिए केवल ढके लें और फिर सर्व कर देंगे। ये देखिए हमारा तड़का रेडी है, इसमें लाल मिर्च, जीरा, और ये देखिए हमारा तड़का इसमें लग गया, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर आया है, और बहुत अच्छी देखने में है, और जितनी अच्छी ये देखने में है उतनी हेल्दी है, लाइट है, वर्सेटाइल है। आप इसको जब सर्व करेंगी तो अगर बच्चों को या बुज़ुर्गों को देना है तो सिंपली आप इस तरह से सर्व कर सकती हैं, और पार्टी डिश के लिए बनाना है, गेस्ट के लिए बनाना है तो फिर मैं आपको सर्विंग करके बताऊँगी। 2 मिनट के लिए मैंने इसको ढक दिया ताकि इसका सारा स्वाद इसके अंदर जज्ब हो जाए। चलिए हम तैयार हो गई हमारी दाल, अब हम इसको डालने जा रहे हैं। ये लीजिए लाल मिर्च भी आ गई है इसमें, और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे, अब अकॉर्डिंग टू टेस्ट है ये सारी चीज़ें, लेकिन इन्हेंस करेंगी ये, कुछ चीज़ें तो कंपलसरी हैं। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिए, बच्चों के लिए डाल रहे हैं तो थोड़ा कम दीजिए। ये भुना जीरा पाउडर है, ये तो बहुत ही अच्छा टेस्ट देने वाला है। ये थोड़ा सा है गरम मसाला, और ये थोड़ा सा हरा धनिया, ये बहुत ही सुंदर सा इसमें देखने में भी लग रहा है। और इसमें डाल रही हूँ मैं खट्टी चटनी, ये खट्टी चटनी ज़रूर डालिएगा इसमें, मैंने आपको बनानी भी बताई है। इसमें हम डालेंगे नींबू, नींबू बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट डेवलप करेगा और फ़ायदेमंद भी है। ये मीठी चटनी मैंने बना के आप लोगों के लिए रखी है, और मैं वीडियो में बताऊंगी भी नेक्स्ट वीडियो में कैसे बनानी है। हालांकि ये गुड़ और इमली नमक काला नमक डाल के बनाई है, आप लोग बहुत इजीली बना सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मीठी चटनी भी बनाना बताऊंगी। लेकिन मेरे पास मीठी चटनी है, मैं डाल रही हूँ ये टेस्ट इसको चटनी को, इसको दाल को और भी सुंदर बनाने वाली है। और सबसे बाद में डालेंगे हम बहुत थोड़ा सा ये मक्खन, जो इसको और हमने लगाई है बिल्कुल नेचुरल चम्मच। तो लीजिए तैयार है मुरादाबादी मूंग की दाल। हाँ तो दोस्तों, मैंने बताया था ना कि ये मूंग की दाल बहुत ही वर्सेटाइल डिश है। हालांकि मुरादाबाद में लोग इसको ब्रेकफास्ट में लेते हैं, पर हम इसको 3 तरह से सर्व कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी, और डिनर में भी। इसमें आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बहुत लाइट है, हेल्दी है, बुजुर्गों को भी दे सकते हैं, और अपने घर में जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है, टेस्ट के लिए भी अच्छी है, हेल्थ के लिए भी अच्छी है। तो है ना अच्छी सी दाल, बनाएंगे ना और मुझे बताएंगे कैसी बनी है ये दाल। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये रेसिपी, स्पेशल रेसिपी मुरादाबादी मूंग की दाल? मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, और डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, और मुझे कमेंट्स दीजिएगा, मुझे बताइएगा, आपको रिव्यूज़ दीजिएगा। स्वस्थ रहिएगा, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर, बाय।